मैं इंतहाई मशहूर हूँ साफी बरादरी का और इस डिजिटल मीडिया का खास तौर पे कि 2017 से हमने पाकिस्तान की पंजाबी फिल्म और पंजाबी सकाफत की एक जंग शुरू की थी। हम ये चाहते थे कि हमारा पंजाब जो है इसकी सकाफत पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतरीन और सबसे बाइज्जत सकाफत है। ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने को जा रही है। हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जो स्क्रीन है, डिजिटल स्क्रीन सारी की सारी मौजूद होने के बावजूद वहाँ पर जितने भी काम करने वाले लोग थे वो बेरोजगार थे। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर पंजाबी फिल्म उस तरह नहीं बन रही थी जिस तरह बननी चाहिए थी। हमें पूरी दुनिया में अपना मुल्क और अपने पंजाब को उस लेवल पर लाकर खड़ा करना था जहाँ पूरी दुनिया सकाफती जंग लड़ रही है। तो हमने 2017 से ये जंग शुरू की। ये सहाफियों के बगैर और सकाफत के बगैर नामुमकिन थी। आज हम जिस मकाम पर खड़े हैं उसमें आप सब लोग बराबर के हिस्सेदार हैं। सो आईएमजीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म था कि जहाँ से हम इस जंग का आगाज कर सकते हैं। आज जो फिल्म आपके सामने लाई गई है जिसका नाम है एनी हाउ ब्यूटी पार, इसका असल तर्जमा ये है कि बेलॉस हो जाओ तुम्हें कभी लॉस नहीं। अब ये फिल्म रिलीज होने के लिए जा रही है। इस फिल्म का जो सब्जेक्ट है वो इंतहाई आपकी जिंदगी के करीब तरीन है। हमें फिल्म के जरिए अपने मुल्क को, अपने पंजाब को, अपनी जुबान को, अपनी सकाफत को बाने रूज तक लाना होता है और आजकल के दौर में इसका वाहिद रास्ता जो है वो डिजिटल मीडिया ही है और आपके तवज्जो से ये सब कुछ हो सकता है। आईएमजीसी जो अदारा है जो इस फिल्मों को रिलीज करता है, इस अदारे ने इस जंग के अंदर बेपनाह नुकसान उठाया है लेकिन इसके बावजूद ये हमारे साथ खड़े रहते हैं क्योंकि हमें इस जंग को नुकसान दर नुकसान के बावजूद एक दिन जीतना है। और अब मुझे लगता है कि हम उस मकाम पर हैं कि आने वाला वक्त जो है वो इंशाअल्लाह हमारा होगा। पाकिस्तान से अकरम दास साहब ने पार्टिसिपेट किया है और विकी कौलू साहब ने पार्टिसिपेट किया है। ये इस बात की दलील है कि पूरी दुनिया के अंदर जो पंजाबी फिल्म देखी जाती है उसके लिए पाकिस्तान के अदाकारों का होना लाजिम है। इस बात की कि फिल्म को कामयाब करने के लिए पाकिस्तान के लोग, पंजाब के लोग चाहिए क्योंकि ये इतने मुस्लिम और पावरफुल हैं। और आईएमजीसी का प्लेटफॉर्म हमारे पास एक मजबूत प्लेटफॉर्म है। अब ये छह अक्टूबर को ये वर्ल्ड वाइड रिलीज होने जा रही है। अब आप देखिए पूरी दुनिया डिजिटल के हवाले से कितनी तरक्की पर है। पाकिस्तान के अंदर 102 स्क्रीनें हैं कमोबेश, जिसमें 96 स्क्रीनें जो हैं वो डिजिटल, और स्क्रीनें आ रही हैं। अगले 2 सालों में 12 स्क्रीनें तो ऐसी हैं जिन्हें मैं जानता हूँ जो आ रही हैं। स्क्रीनों का आना इस बात की दलील है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोगों का यहाँ आना या हाजिर एक कार्ड जैसे शाहिद भाई आए हैं, मैं आई हूँ, हम लोगों के ऐसा पिया साहब आ रहे हैं, हम लोगों का आना इस वजह से कि हम अकरम दास साहब और अपने विकी कौरव को और खासकर जजोत सिंह को हम अप्रिशिएट करने के लिए आए हैं, उन्हें प्रमोट करने के लिए आए हैं, इनकी खुशी के लिए आए हैं, इनको मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। इनकी मेहनत परवरदिगार इन
प्रीति तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले विकी काउंटू साहब जो हैं इनको माइक दिया जाए कि थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि इनको कैसा लगा वहां जाकर। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, मुझे बहुत खुशी हुई और सबसे पहले सब तो पहला तो मैं अपने मीडिया का शुक्रगुजार हूँ और उसके बाद मैं अकरम साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने एडे बड़े मीडिया के चांस दिता और सब देखकर मैं दुआ की अपील करूंगा दुआ करें कि अल्लाह पाक साड़ी फिल्म को चार चंद ला दे कामयाब कर ताकि मेरा भी थोड़ा जहा मान पाकिस्तान के अंदर पंजाब की दुनिया के अंदर जो पूरे पंजाब दोनों पंजाबों में जिस शख्सियत को माना जाता है उनका नाम है रूपी अनम सर। यानी दोनों पंजाबियों के अंदर किसी खातून का तस्करा होता है उधर भी और इधर भी वो है रूपी अनम सर। मेरा ख्याल है कि इतनी अच्छी ये जो पंजाबी जुबान है ना कि ये पूरी दुनिया की जुबानों में ये सुना जाता है, मैंने तो ये सुना है कि कानों को भरी लगती है, सबसे अच्छा साउंड जो है वो पंजाबी जुबान का है और रूपी अनम साहब से अच्छी पंजाबी कौन बोलता होगा, यानी सुता पे बंदा भी उठ के बैठ जाए। सब तो बड़ी गल है पहली फिल्म जड़ी जिन्हें पाकिस्तान दे विच कामयाब कीता चल मेरा पुत्त वन फिर उस तो बाद टू और उस तो बाद थ्री और फिल्म दे तेरे डायरेक्टर ने ओना दी है चौथी फिल्म है ओना ने अंदर बनाई है ते नाम पता की फिल्म है और ये ते राइटर इंडिया दे बेहतरीन राइटर ने जस्ट एवरी वन यस हां जी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਨਾ ਰੇਡੀਓ ਤਾਨਾ ਪਾਰੀ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਪੰਗੂਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਉਰਦੂ ਮੇਂ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜਨਾਬ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਨੀ ਹਾਓ ਮਿਰਚੀ ਪਾਓ ਔਰ ਇਸਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ ਜਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਔਰ ਪੁਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਕੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਏ ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਇਸਕੇ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਜਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ चल मेरा पुत्र 1 2 3 तीनों मूवीज को बनाया तीनों फिल्म हिट गई और ये उनकी चौथी फिल्म है एनी हाउ मिट्टी पाओ और यकीनन ये बहुत अच्छी फिल्म होगी और इस दफा उन्होंने पाकिस्तान से सिर्फ दो फनकार लिए हैं जैसे कि अकरम उदास साहब और विकी कौशल साहब। तो हम इनसे जरूर पूछते हैं कि इन्होंने फिल्में कैसे किया, लेकिन मैं आपको पास के बारे में बताती हूँ। हरीश वर्मा जो हीरो है इस फिल्म के वो बहुत ही प्यारे फनकार हैं और वो पाकिस्तान पहले 3-4 दफा आ चुके हैं थिएटर करने के लिए और अकरम उदास साहब हैं इस फिल्म की हीरो ने अखबारा दस्तूर बी एन शर्मा जी हैं निर्मल ऋषि जी जो सबसे सीनियर फनकार हैं और सीमा कौशल जी हैं प्रकाश धागू करमजीत अनमोल मेरा दोस्त है और मेरे ख्याल में हमें बाकी उस फिल्म के बारे में जो डिटेल है वो तफसील है वो अकरम साहब बताएंगे कि जजोत सिंह ने इतनी मेहनत और इतने अरसे के बाद यानी कम से कम 2 साल के अरसे के बाद उन्होंने ये फिल्म बनाई तो क्यों बनाई प्रकार ऐसे बनाई गई जी दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं मीडिया से लेकर आर्टिस्टों तक ऐसे भी जितने मेरे दोस्त आए हैं सबका और आर्टिस्टों में कैसर किया साहब हैं तहार ठाकुर साहब हैं रूपी अनम साहब हैं शाहिद खान साहब हैं विकी गोंडू साहब तो मेरे साथ ही थे जब से हम फिल्म कर रहे थे उस वक्त से तो बाबू साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बहुत प्रमोट किया पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म और इंडिया से जो पंजाबी फिल्म है उसको प्रमोट बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप लोग बहुत प्यार कर रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ इतना प्यार करते हैं कि लोगों के सामने आप लोगों ने लाना है हमें हमें नहीं पता कि हम तो काम करके वापस आ जाते हैं जब आप लोगों को देखते हैं लोग
तो वो कहते हैं यार आपने ये भी किया वो भी किया। जब चल मेरा पुत्र थी तो ठाकर साहब हमारे साथ थे, इन्होंने काफी साथ दिया हमारा और जो इन्होंने हमें समझाया हम सुनने के करते थे। बूटा गाला कटता जरा रौला जहा प्यार।